लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। होनोलुलु, अमेरिका। ये शहर हवाई सूबे की राजधानी है। पिछले एक दशक में यहाँ की जिंदगी बेहतर हुई है। आज हवाई द्वीप में बसा होनोलुलु बसने के लिहाज से अमरीकी शहरों में अव्वल है। इसकी वजह यहाँ की शिक्षा सुविधाएं और संस्कृति है। बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी की राजधानी और सबसे बड़े शहर बुडापेस्ट में पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। स्थानीय लोग पिछले 10 साल में आए बदलाव के गवाह हैं। बुडापेस्ट की पत्रिका द स्पॉइल्ड क्वीन की संस्थापक विक्टोरिया स्किब्बा कहती हैं कि मैं पिछले 8 साल से यहाँ रह रही हूँ। शहर में बहुत विकास हुआ है। कुवैत सिटी, कुवैत। रहने के लिहाज से कुवैत सिटी मध्यम दर्जे का शहर है। आज संस्कृति के लिहाज से कुवैत सिटी में ज्यादा खुलापन आया है। यहाँ का हाईवे सिस्टम भी लगातार बेहतर हो रहा है। सऊदी अरब, इराक और फारस की खाड़ी के बीच स्थित कुवैत सिटी हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ आते ही आपको बड़े इंटरनेशनल सिटी में पहुँचने का एहसास होता है। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। ऑकलैंड हमेशा से ही रहने के लिहाज से अच्छा शहर माना जाता रहा है। पिछले एक दशक में यहाँ और भी सकारात्मक बदलाव आए हैं। खास तौर से यहाँ की संस्कृति में बदलाव को स्थानीय लोगों ने महसूस किया है। हैंड्स अप हॉलीडे के क्रिस्टोफर हिल कहते हैं कि संस्कृति के लिहाज से ऑकलैंड अमीर शहर है। इसमें लगातार बेहतरी आ रही है। ताइपे, ताइवान। पूर्वी एशिया का ये बड़ा कारोबारी शहर लगातार बेहतर हो रहा है। यहाँ का नगर निगम लगातार बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश कर रहा है। मेट्रो लाइन की पहुँच पूरे शहर तक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी मेट्रो रेल सेवा से जुड़े हैं। स्थानीय लोग ताइपे की स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं की तारीफ करते नहीं थकते।